आज मैं अपने डेली यूज़ में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करती हूँ ड्राइंग करने के लिए और स्केचिंग करने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें अगर आप नए हो तो। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स दिखाऊँगी जिसमें मैं हमेशा अपने सामान को कैरी करती हूँ, क्योंकि कहीं भी आउटडोर या आउटडोर स्टेशंस में मुझे जाना होता है तो मैं लेकर के जाती हूँ। तो ये डब्बा सिंपली से किसी मार्केट में अवेलेबल है, और ये साड़ी में एक फॉर्म टाइप का आता है, ये मार्केट में भी मिल जाता है। तो मैं इसे कवर कर ली हूँ ताकि पेंसिल की जो नीब है वो इससे टूटे ना। और मेरे पास सॉफ्ट ब्रशेज हैं दो साइज़ की, दोनों ही फ्लैट ब्रशेज हैं। मैं दोनों को ही कैरी करती हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। और ये सैंड पेपर है मुझे पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बहुत सारे यूज़ आते हैं। और मैं स्केल भी हमेशा कैरी करती हूँ, और अप्सरा की 3H पेंसिल जो काफ़ी लाइट होती है, ये भी मुझे कैरी करना अच्छा लगता है, और बहुत सारे यूजेस भी हैं। और तो मैं यहाँ पर कैमलिन की पेंसिल्स रखी थी, और ये अप्सरा की वाइट पेंसिल, वाइट ग्लास पेंसिल। तो अब मैं टिश्यू पेपर, थर्माकोल कटर, ये सारी यूज़ वाली मैं हमेशा रखती हूँ। और मैकेनिकल पेंसिल्स भी 0.7 और 0.5 mm की हमेशा रखती हूँ। और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स और कुछ इरेजर्स जो कैरी करना ही पड़ता है। और मैं कॉटन बर्ड्स भी हमेशा रखती हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग कभी भी ज़रूरत पड़े तो कर सकूँ। और आर्ट लाइन की कुछ पेंसिल्स और मैकेनिकल पेंसिल्स की लीड और चारकोल पेंसिल्स भी मैं हमेशा रखती हूँ। तो यही सब मेरे जो बॉक्स है उसके अंदर मिलती है। और साथ ही साथ ये ब्लैंक इंक का लीड है जिसे मैं हाइलाइट्स देने के लिए रखती हूँ। और ये कुछ इरेजर की पीसेस, ये भी मैं हाईलाइट देने के लिए रखती हूँ। तो अगर आपको भी जानना हो कि मैं कैसे हाईलाइट्स देती हूँ ये सब के थ्रू, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।